तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 8T 5G के कैमरास के बारे में, जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे हैं कि नहीं। तो इसके बारे में बात करते हैं। और ओप्पो के स्मार्टफोन के कैमरास तो काफ़ी कमाल के होते हैं, एंड सेल्फी मैंने ले ली आज तो बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो उसके बारे में बताते हैं, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो लाल बटन है, काला बटन, जो भी सफेद बटन दिख रहा है, दबा दो, सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बैक कैमरास की बात करें तो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, उसके बाद आ जाता है 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। तो फोटोज की बात करें तो काफी अच्छी आ जाती है फोटोज, कलर एक्यूरेट एंड शार्पनेस एंड ऑल काफी अच्छा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट भी सही लगा मेरे को, एंड आपको वैसी बोके मिल जाता है और आप डायनेमिक रेंज वगैरह भी अच्छी है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फास्ट शटर है, मतलब मैंने क्लिक किया और इतनी जल्दी फोटो खींची है कि मूवमेंट भी कैप्चर हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं HDR ऑफ और ऑन, मतलब कि HDR अच्छा काम करता है। और इसमें आप 22 लेवल्स तक ब्लर एडजस्ट कर सकते हो, कितना ब्लर चाहिए आपको। और साथ ही साथ इसमें आपको बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जिसमें कि एज डिटेक्शन काफी अच्छा है। सो कुछ रैंडम फोटोज जो कि काफी अच्छे लगे मेरे को, एंड नॉर्मल फोटोज के लिए बहुत अच्छा है, एंड डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी है, कलर एक्यूरेसी कॉन्ट्रास्ट सब कुछ बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के बारे में। इसमें आपको बहुत सारे रीटचिंग टूल्स प्लस फिल्टर्स मिल जाते हैं, जो कि आप कुछ भी लगा के फोटो खींच सकते हैं डायरेक्टली। और आप देख सकते हैं 32 मेगापिक्सल से खींची गई फोटो को, जो कि HDR फोटो है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फोटो आई है। देख सकते हैं आप पीछे बैकग्राउंड आपका स्काई और ट्रीज सब कुछ डिटेल्ड है, ऐसा नहीं है कुछ ब्लोन आउट कर दिया। और फ्रंट कैमरा में भी आपको HDR मिल जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं ऑफ और ऑन का, सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है हमें देखने को थैंक्स टू HDR। हमारा पीछे का देख रहे हैं बैकग्राउंड ब्लोन आउट नहीं होता, यहाँ कार में भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यार। तो बचा रहता है कि हाँ कहीं फोटो खींच रहे हैं तो पूरा आपका पीछे का भी दिखे बैकग्राउंड, तभी तो मज़ा आएगा, वरना कैसे मज़ा आएगा। तो इस तरह से, और ये नाइट मोड में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, देख सकते हैं कितना क्रिस्प है नाइट मोड में भी। और ये आर्टिफिशियल लाइटिंग में मैंने HDR टेस्ट किया, जो कि बहुत अच्छा निकल गया रिजल्ट। और फ्रंट कैमरा मेरे को काफ़ी वाइड लगा, तो ग्रुप फोटो के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हैं आप फ्रंट में भी बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है आपको, और यहाँ पे भी आपका ग्रुप फोटो में बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड काम करता है। और AI कलर पोर्ट्रेट भी है इसके अंदर, जो कि काफ़ी मज़ेदार लगता है यार, मतलब कि ऐसा लगता है कि 3D ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है फोटो से, इतनी अच्छी फोटोज आती है, मतलब आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। एंड ये भी आपका ग्रुप फोटोज के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो डायरेक्टली फिल्टर लगाओ और फोटो खींचो, अलग से एडिट करने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा था काफ़ी अच्छा था। सो अब बात करते हैं मैजिकल कैमरा की, जो कि है माइक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का 40x जूम के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट दिखा रखा है और उसका जो जूम करके जो आउटपुट आया ना, कमाल का मजा आ जाता है। देख सकते हैं एकदम माइक्रो डिटेल्स आप देख सकते हैं, मतलब मैक्रो लेंस तो फालतू है, माइक्रो लेंस में मजा है भाई, क्या कमाल की फोटो आ सकती है, देख सकते हैं आप, सोच भी नहीं सकते इतना डिटेलिंग आप देख सकते हैं। ये है फ्रंट कैमरा से, यहाँ पे भी फ्लैश का दे रखा है ऑप्शन, मतलब स्क्रीन ब्राइट हो जाएगी, प्रीटी गुड देख सकते हैं विद हार्स लाइटिंग एंड विद शेडो कैसा आ रहा है रेंज। सो दिस इज द कैमरा टेस्ट एंड आपको दिख रहा होगा शेडो में जा रहे हैं हम, शेडो कहने के लिए EIF है इसके अंदर। सो गाइज ये है इसका व्लॉग मोड, देख सकते हैं इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं चीज़ें और अपने आप को भी दिखा सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, सो दैट्स गुड। एंड शेकी है काफ़ी बट EIF ऐसे कुछ काम नहीं कर रहा है, सो दैट्स दैट। तो गाइज बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की एंड मेरे रिव्यू की कैमरा के बारे में, तो बता दूं पहले तो 108 मेगापिक्सल का इसमें सैमसंग का HM6 सेंसर है और फ्रंट में आपका ओमनीविजन का सेंसर लगा हुआ है 32 मेगापिक्सल का, जो कि f2.4 है, और 108 मेगापिक्सल में अपर्चर है f1.7। तो अगर बात की जाए तो डे लाइट वगैरह में कैमरा की फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है, इवन नाइट मोड में भी और रात को भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज आ जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है कैमरा, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है वो प्रोसेसर के वजह से भी है। एंड प्लस अगर बात करें अगर ओवरऑल की, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक कैमरा मिल रहा है यहाँ पे देखा जाए तो, माइक्रो लेंस रोज़ तो आप यूज़ करने वाले हैं नहीं, अल्ट्रा वाइड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था वो नहीं है,
प्लस इसमें लिमिटेशन है कि भैया आप 4K नहीं कर सकते, इसमें आपको इवन फुल HD 30 FPS मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो भी EIS बहुत बेकार लगा मेरे को, मतलब ऐसे पल्सेटिंग होता है ना, फोकस कर रहे हैं एंड ऐसे 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 होता है, वैसा वाला था, तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। एंड डुअल वीडियो में तो कोई आपका स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, पूरा जग करता है, तो ये सब चीज़ें हैं। और बोके फ्लेयर जो आपका बोके वाला वीडियो होता है वो भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, जो कि काफ़ी मतलब ओप्पो और इन सब में होता है, फ़ोन्स में वो भी नहीं है। तो देखा जाए तो कैमरा के डिपार्टमेंट में नहीं कर पाया, मतलब ओप्पो का फ़ोन होता है नहीं कर पाया उतना कम, कंसिडरिंग सब कुछ मिला के। अदरवाइज़ फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी आ रही है, बट वीडियो में इतना मज़ा नहीं आया मेरे को, तो मैं मना ही करूँगा ऑब्वियसली। 30 FPS फुल HD, 60 FPS आ जाता आजकल तो यार, और 4K तो दे नहीं सकते क्योंकि चिपसेट का वो है लिमिटेशन, तो कैमरा इज़ ओके, तो मैं मना ही करूँगा अगर आपको कैमरा के लिए चाहिए फ़ोन तो इसके तरफ मत जाना, नहीं अच्छा फॉर द प्राइस। तो ये था मेरा रिव्यू, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब लोगों ने कर लिया होगा, और हाँ इसका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, पूरा रिव्यू फुल रिव्यू अच्छे से इनडेप्थ टेस्टिंग हो चुकी है, तो थोड़ा सा दिन दीजिए, 1-2-3 दिन बस आते हैं हम। सो दैट्स दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।